पाकिस्तानी लोगों को अपने स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐसा सदमा लगा है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया के किसी भी देश के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा पाकिस्तान के साथ हुआ है। पाकिस्तान के साथ एक बड़ा प्रैंक हो गया है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में भयंकर कंफ्यूजन फैल गया। आप बस ये कहानी सुनते रहिए, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जिसे देखकर आप अगले साल स्वतंत्रता दिवस तक हंसते रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसके अंत में एक ट्विस्ट आएगा। दरअसल कई पाकिस्तानी लोग दुबई में अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करने पहुंचे थे। ये सभी पाकिस्तानी दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर अपना झंडा देखने गए थे, लेकिन इसके तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान में भयंकर बवाल मचा दिया। किसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर दी कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडा नहीं दिखाया गया। इस वीडियो में एक पाकिस्तानी महिला बोलती हुई सुनी जा सकती है कि 12:01 हो गया है, लेकिन दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडा नहीं दिखाया जाएगा, ये हमारी औकात रह गई है। अब ये वीडियो कब का है ये किसी को नहीं पता, लेकिन अचानक यही वीडियो रातों रात पाकिस्तान में वायरल हो गया। इस अकेले वीडियो ने पाकिस्तान में आग लगा दी। पाकिस्तान में खबर फैल गई कि एक षड्यंत्र के तहत बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडे को नहीं दिखाया गया है। कई पाकिस्तानी लोगों ने संयुक्त अरब अमीरात, दुबई और बुर्ज खलीफा को गालियां देनी शुरू कर दी। पाकिस्तानियों का गुस्सा तब और भी ज्यादा भड़क गया जब भारत के स्वतंत्रता दिवस पर बुर्ज खलीफा पर तिरंगा दिखा दिया गया। भारत का तिरंगा देख पाकिस्तानियों के कलेजे में आग लग गई। लेकिन असली मजा अब आएगा, अब आप ट्विस्ट के लिए तैयार रहिए। अपने झंडे का अपमान देख पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स सड़क पर लोगों के रिएक्शन लेने पहुंच गए। सड़कों पर घूम रहे पाकिस्तानियों ने तो सबसे पहले अपने ही देश को गाली दी, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात को जो जो बातें कही वो हम आपको बता भी नहीं सकते। लेकिन यहीं पर अचानक से वक्त पलट गया, जज्बात पलट गए। सच्चाई तो ये है कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडा दिखाया गया था, यानी सोशल मीडिया पर किसी ने पुराना वीडियो वायरल कर दिया और पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को गालियां देनी शुरू कर दी। सच्चाई जानने के बाद अब यही पाकिस्तानी अपना माथा पीट रहे हैं। अब पाकिस्तानियों को लग रहा है कि थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लेते तो आज इतनी फजीहत नहीं होती।